ग्यारहवीं कहानी फसक तैयार। परमेश्वर मूसा और हारूनस फिरौना पास यो कुनखिन भेज छे कि इजरायली लोगों जान दे। उन्होंने उस चेतावनी दीज अगर वो उन्होंने नहीं जान दियोल तब परमेश्वर मिस्र देशाक लोगों जानवरों का सब पैलोटान मार डालोल। फिरौनल ये सुन भरन ले परमेश्वर में विश्वास करुन है उन्हें बात मानुन है इनकार कर दीज। परमेश्वर में विश्वास करुन वलान में कोई उनुन में भटे पहलोटा चलास बचून खीन एक इंतजाम कर शे। हर एक परिवारस एक बिन खोट वाल भेड़ोक पाटली भरन ऊग बलि चढ़ून छी। परमेश्वर इजराइल लोगुन था क्योज तुम ऊ भेड़ोक खून अपुन अपुन घराक चौखटुन में लगा दिया। आग में भड़ा भरन अखमेरी रोटा दिगाड़ उस रात में खा लिया और ऊग शिकार रात तक जन बचाया। हिटला अगर के बच जाल तो उस आग में जरूर भड़ा दिया। तुम अपन कमर बांध भिरन खुटान में जुत्तो पहन भिरन हाथ में जांट ली भिरन यो त्यार फटाफट खाया क्या खिन की मैं तुमुन खिन उ बखत मिस्र देश बटे छोड़ून। जस करुन खिन परमेश्वर इजराइल लोगों हुकुम दी रखो उन्होंने ओक अनुसार सब कुछ कर छे। आधा रात में परमेश्वर हरेक जाट चालास मारुन खिन इजराइल देशाक बीच बटे ग्योच। इजरायली लोगों का हरेक घराक द्वार में खून लागिना छो एक कारण परमेश्वर उन घरों छोड़ दीच उनार भीतराक सब लोग उ भेड़ाक पाठाक खूनाक लागना कारण बच गया। लेकिन मिस्री लोगों ले परमेश्वर में विश्वास न कर और उ हुकुम न मान एक कारण परमेश्वर उनार घराना न छोड़ो। परमेश्वर मिस्राक लोगों का हरेक जाट चालान मार दीच। मिस्री देशाक सब जाट चाल मर गया। उमे राजाक चोल ऊक सब है नान काम करवाल दास और सब उनका चाल शामिल छा। लेकिन इजरायली लोगों में कोई ले न मर तब राजा और ऊक दरबारी और सब मिस्री लोग आज रात में उड़ भिरन जोर जोर डाड़ मारन लग्यान इले कि वहाँ मिस्री लोगों में कोई ले इस नहीं छो जहाँ कोई न मरी ना खो। उई रात राजा मूसा और हारूनस बुलाए भिरन उन्होंने था क्योज इजरायली लोगों ली भिरन मिस्र देश बटे नहजा। मिस्र देशाक लोगों ले इजरायली लोगों थे विनती कर छे कि तुम यहाँ बटे नहजा।